तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को देखो कि इसमें क्या करते हैं। देखो इसमें क्या है कि हमारे पास एक स्टोन है जो एक स्ट्रिंग है, उसकी लेंथ 180 मीटर लॉन्ग है और मूव इतना रिवॉल्यूशन इन ए सर्कल, मतलब हॉरिजेंटल सर्कल में एक स्ट्रिंग है, दिस इज द हॉरिजेंटल सर्कल, और इस हॉरिजेंटल सर्कल में एक स्ट्रिंग मूव कर रही है और उससे एक बॉब अटैच है, ये सेंटर ओ है और ये इससे बॉब एक अटैच है। इस बॉब ये जो लेंथ है वो एल दिया हुआ है, 180 सेंटीमीटर है, ठीक है, क्लियर है। इसका मतलब ये हुआ कि 1.8 मीटर है और ये जो बॉब है 28 रिवॉल्यूशन कर रहा है। मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सलेशन ऑफ द स्टोन, द वैल्यू ऑफ एक्स, तो इस पे ऑब्वियसली अगर ग्राउंड के फ्रेम से देखोगे तो इस पे सेंटर की तरफ एक ही एक्सलेशन लगेगा जिसका नाम है सेंट्रिपिटल एक्सलेशन, और ये जो सेंट्रिपिटल एक्सलेशन की जो वैल्यू है वो होती है ओमेगा स्क्वायर अपन आर ओमेगा। तो यहाँ से ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई फ्रीक्वेंसी ये होता है इसका स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाई लेंथ एल हो जाएगा, बात समझे। तो जब 20 रिवोल्यूशन एवरी मिनट हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है भाई, फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकेंड, तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 28 रिवोल्यूशन अपॉन 60 पर सेकेंड, इतनी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 पाई और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी 28 अपॉन 60 का होल का स्क्वायर और मल्टीप्लाई कर दूं 1.8 से, बात समझ में आया। तो यह आ जाएगा 56, 20 और 56 अपॉन 60 और यह आ जाएगा 22 अपॉन 7 का होल स्क्वायर और मल्टीप्लाई कर दूं 1.8 से। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भाई कितना आ जाएगा, पूरा इसको सॉल्व करोगे तो एक्सलेशन ए की वैल्यू कैलकुलेट करो खुद, 1936 मल्टीप्लाइड बाई 1.8 डिवाइडेड बाई 225, तो फाइनली जो सेंटीपिटल एक्सलेशन आ जाएगा 1926 और डिवाइडेड बाई 125, दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ सेंटीपिटल एक्सलेशन इन फ्रैक्शन आ रहा है। तो अब जाके तुम कंपेयर करोगे अपने गिवन, हाँ जो डेटा इसमें दिया हुआ है कंपेयर करोगे तो वो एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 125, तो यहाँ जो फिलिंग द ब्लैंक्स आएगा 125 इज द फाइनल सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।